ये लंबार्डनी कंपनी जो है हाँ। ये आज से 100 साल पुरानी कंपनी है हाँ। इटली की कंपनी है हाँ। ये डीजल इंजन बनाने की महारत हासिल करी है। मॉडल है जिसके अंदर होंडा का GX200 इंजन लगा हुआ है, ISI इंजन लगा हुआ है, 2 साल की गारंटी, ओरिजिनल होंडा का इंजन है, ओरिजिनल। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होंडा का सर्विस सेंटर है वहां पे इसकी सर्विस हो जाएगी हाँ। 2 साल की इसकी जो है इंजन की गारंटी लेती है, यहाँ पे भी जो आपको है इंजन के अंदर मोहर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, होंडा 270 जी हॉर्स पावर का 270 CC का इंजन है, 2 साल की गारंटी है, ताकत जो देता है वो इतनी देता है कि आप 3 फुट का रोटावेटर इसके साथ चला सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल शुक्ला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, खेती बाड़ी की एक नई कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं लुधियाना के अंदर में, गिल विलेज पड़ता है, स्प्रेमैन कंपनी में। ये कंपनी जो है हमारे किसान भाइयों के लिए तरह तरह के पावर वीडर, तरह तरह के एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट, जैसे कि अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बैक रोटरी, जो कि आने वाला जो टाइम है वो गन्ना का टाइम है, गन्ना का निराई गुड़ाई का, उस टाइम पे लेबर नहीं मिल पाते हैं, उस टाइम पे बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हमारे साथ में हर्ष भैया हैं जो नया नया इनोवेशन करते रहते हैं। नमस्कार हर्ष भैया। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबको जो है इस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए जो है और नई ज्यादा जो है खुशियां लेके आए, आमदन का जरिया खड़ा करे और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव करे जी। तो उसी के चलते हुए नए साल के अंदर जो है मैं आपके लिए एक नया मॉडल लेके आया हूँ जो आपकी खेती को और अगले स्तर पे लेके जाएगा और आगे बढ़ाएगा। और जो है आपका काम, अब मेरा एक नया मॉडल आया है 840 डीजल बैक रोटरी, जो आपका दो काम, जोताई का और मिट्टी चढ़ाने का, दोनों काम जो है वो एक ही बार में करने वाला है। यानी कि जो हमें मिर्ची की खेती अगर करनी है, जो हमें बेड बनाना पड़ता है, इसी के माध्यम से प्रॉपर तरीके का बेड बन जाएगा, प्रॉपर तरीके का बेड बन जाएगा। गन्ने के अंदर जोताई करते हुए मिट्टी चढ़ जाएगी, हल्दी के अंदर मिट्टी चढ़ जाएगी, आपको सब्जी के लिए बेड बनाने हैं, आपको जो है वो नाली बनानी है चौड़ी, वो सब काम जो है एक ही बार में हो जाएगा। आपका घास एक ही साथ खपतवार भी खत्म हो जाएगा और मिट्टी चढ़ा के आपका बेड वगैरह तैयार करने है, या जैसे मिट्टी जो है वो ढह जाती है तो उसके ऊपर दोबारा मिट्टी लगाने का काम भी ये कर देगा जी। बिल्कुल भैया, अगर इसके इंजन की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे कितने HP का इंजन है और कौन सी कंपनी का इंजन लगा जी। ये जो है पावर वीडर, ये जो है बैक रोटरी है, टायर के पीछे इसके रोटावेटर लगा हुआ है और इसके अंदर जो है डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। डीजल इंजन 8 हॉर्स पावर का कामा कंपनी का जो है इसका इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर जो है 8 हॉर्स पावर का कामा कंपनी का इंजन लगा हुआ है जी। इसकी जो है आपको कामा का जो है ओरिजिनल इंजन लगा हुआ है, जिसकी निशानी आपको यहां से भी पता लग जाएगी और आपको देखिए यहां बॉडी के अंदर नीचे भी जो है वो खुदा हुआ है, तो वहां से भी जो है वो आपको पता लग जाएगा जी। सेल्फ स्टार्ट इंजन है, रस्सी से तो ये स्टार्ट होता ही होता है और साथ में जो है इसके साइड में आप देख सकते हैं सेल्फ भी जो लगी हुई है, बिल्कुल, जिसको आप ये जो ऊपर लगी हुई चाबी है इसके माध्यम से जो है ये इस प्रकार से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी भैया, जैसे बात करना चाहेंगे इनके टायरों के बारे में जी। इसका टायर जो दिया गया काफी गुड्डी वाले टायर हैं, काफी बड़ी बड़ी गुड्डी है इसमें, ट्रैक्टर के तरीके जी। ये जो है ट्रैक्टर गुड्डी के 4-10 के इसके अंदर टायर लगे हुए हैं, 4 इंची चौड़ा टायर है, 10 इंची का इसका रिम कढ़ाया है और ये टायर जो है वो एडजस्टेबल है। अच्छा, आप इसको जो है 17 इंच कम से लेके इसको 26 इंच तक इसी टायरों को जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ये कप लगा हुआ है ये एडजस्टमेंट वाला लगा हुआ है, आप इसको उल्टा घुमा के भी लगा सकते हो सीधे तरीके से भी, आपको इसके अंदर वेट टांगने तो वेट भी इसके अंदर जो है वो टांग सकते हो। अच्छा, तो मतलब पूरा ट्रैक्टर वाला सिस्टम जो है हमने इसके अंदर बनाया हुआ है जी। और इसके अंदर जो है वो कामा कंपनी का जो है इंजन लगा है, डीजल इंजन लगा है, तो 1 घंटे का मात्र 700 ग्राम डीजल जो है वो ये खाता है, 700 ग्राम जी। अच्छा भैया, अगर इसकी बात करें पीछे बैक रोटरी की, रोटरी जो है इसमें कितनी ब्लेड चलती है? जो इसके अंदर रोटरी है जी, यही इसकी जो है वो मेन एक खासियत है हाँ। हमने इसके अंदर जो है वो डिचर रोटरी लेके आए हैं। अच्छा, आमदर जो रोटरी होती है वो आप देख सकते हैं कि जैसे पहले वाले में उसमें जो है टिलर की जोताई वाले ब्लेड लगे होते हैं जी, इसके अंदर जो है हमने डिचर वाले ब्लेड लगाए हैं। ये जो डिचर वाले ब्लेड है ये एक तो जुताई भी करते हैं और साथ साथ में जो है ये मिट्टी चढ़ाने का काम भी करते हैं, मतलब दोनों कार्य एक साथ होगा जी। यह मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी जो आप साथ में स्क्रीन में आपको साथ में भी दिख रहा होगा जी, बिल्कुल, कि जुताई के साथ साथ मिट्टी भी जो है वो साथ के साथ चढ़ती जा रही है जी, जिसकी वजह से जो है ये आपका जैसे कि नाली बना के आपने गन्ने के अंदर जो है मिट्टी लगानी है वो आसानी से काम कर देता है जी। जो इसकी चौड़ाई है वो 18 इंच इसकी चौड़ाई है, तो लगभग 18 इंच नीचे से और ऊपर से 2.25 फुट की जो है वो नाली बनाता हुआ ये चलता जाता है और आपका जितना भी घास फूस होगा उस सबको जो है वो खत्म करता हुआ निकलता जाएगा।
इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि दो दो ब्लेड एक तरफ के लगे हुए हैं, तो इसके अंदर जो है कुल 1, 2, 3, 4 मतलब इसके अंदर जो है वो 16 ब्लेड इसके अंदर जो है लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पीछे से आपने जो इसका कवर बनाया है उसको भी जो है वो प्रॉपर बेंड दिया हुआ है शीट के अंदर, जिससे जो आगे आगे जो मिट्टी जुताई हो रही है पीछे पीछे से ये जो मिट्टी को ना खींचते हुए उसको प्लेन भी करता है, प्लेन करता चला जाएगा। और मान लो कोई चला रहा जो ऑपरेटर उसके फेस पे या मुंह पे मिट्टी या पैर पे नहीं जाएगी, कवर नहीं होगा, ये बिल्कुल कवर होगा। तो ये एक साथ में जुताई भी करेगा, मिट्टी भी चढ़ाएगा और प्लेन करता हुआ लेवल में भी जो है वो जाता जाएगा। यहाँ से जो आप इसकी गहराई को जो है कम ज्यादा करते जाएंगे, ये जितना ऊपर को करेंगे उतनी गहराई जो है बढ़ती जाएगी, जितना नीचे को करेंगे उतनी गहराई ये कम लेके जाएगा। अच्छा भैया, अगर इसके हैंडल की बात करें, हैंडल का क्या प्रोविजन, ये अगर एडजस्ट करना चाहे एडजस्टेबल भी, बिल्कुल एडजस्टेबल हो सकता है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ बिल्कुल नीचे, ताकि कोई छोटा बच्चा है 10 साल का वो भी चला सकता है। और इसको बिल्कुल ऊपर, जैसे कि मैं लंबा करता है तो आप इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। बैक रोटरी होने की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। पानी का गिलास भी ऊपर रख दीजिए, वो भी जो है बिल्कुल शांति से जाता जाएगा, जिसकी वजह से इसको छोटे बच्चे, महिलाएं, 60-70 साल के बुजुर्ग बिना थके हुए इस मशीन को 6-6 घंटे 7-7 घंटे जो है वो चला सकते हैं जी। अच्छा बात करें भैया, इसमें अगर रोटरी खोल के ट्रॉली वगैरह लगाना चाहे तो ट्रॉली जी यहाँ पे इसके अंदर जो है पीछे हुक लगी हुई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप इसको ट्रॉली वगैरह भी जोड़ सकते हैं। जो रोटरी है वो गियर बक्से के सीधा अटैच करी हुई है, जितना गियर बक्सा है उसके साथ आप देख सकते हो। रोटरी हमने यहाँ पे दो नटों के साथ जुड़ी हुई है, एक नट इस तरफ है एक नट इस तरफ है। तो ये जो रोटरी है इसके अंदर भी जो है वो पीटीओ की तरह ही आपस में कपल करी हुई है। अच्छा, 3 दांत वाली इसके अंदर पीटीओ है जो आपस के अंदर डायरेक्ट कपल करी गई है, जिसकी वजह से इंजन की जो सीधी ताकत है वो गियर बक्से में और गियर बक्से से सीधी ताकत रोटरी में आ रही है। तो पावर लॉस बिल्कुल नहीं है, मतलब ये नहीं है कि इंजन 8 हॉर्स पावर का है तो पीछे ताकत आगे सिर्फ 3 हॉर्स पावर रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। 8 आ गया तो 8 ही पीछे को मिलेगी, जिसकी वजह से कड़क मिट्टी, लाल काली मिट्टी में भी ये काम करेगा, भालू मिट्टी में भी काम करेगा और जो है अपनी जो पहाड़ी रेतली मिट्टी होती है उसके अंदर भी एक काम करेगा। अच्छा भाई, एक चीज हम बात करना चाहेंगे, जैसे अगर इसमें रीपर लगाना चाहें तो क्या पॉसिबल है? रीपर इसके अंदर पॉसिबल है जी। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके इस प्रकार से आप गियर खोल देंगे जी, बिल्कुल। रोटरी आपको मैंने बताया था दो नटे खोल के जो है खुल जाती है, उसके बाद आपको इसको हैंडल को आप ऐसे तरीके से जो है वो इंजन की तरफ भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, इंजन की तरफ से लेके आने पे आप ये जो अटैचमेंट है ये खुल जाएगी और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रीपर पड़ा है इस तरीके का। अच्छा, ये वाला रीपर जी। तो इस तरीके का इसके अंदर जो है 3 फीट का रीपर, 4 फीट का रीपर, वो भी इसके साथ ये रीपर वहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा जी। जी, यही रीपर उसके साथ भी लग जाएगा। आमतौर पे काफी किसानों की डिमांड आती है कि राहुल भैया क्या बैक रोटरी में रीपर चल जाता है? मतलब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं? हमारे वाली जो बैक रोटरी है उसके अंदर रीपर चल जाता है। रीपर इसके साथ 3 फुट का भी लग जाता है, 4 फुट का भी लग जाता है। रीपर से आप गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, चना, सोयाबीन, ये सब फसलों की जो है कटाई कर सकते हैं। और रीपर को जो है हम जोड़ने का इस हिसाब से बनाया कि आदमी घर पे एक आदमी भी इसको जोड़ सकता है, आपको कोई मिस्त्री मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 भैया। अच्छा भैया, जैसे हमारा ये डीजल मॉडल हो गया, इसके साथ अगर हम अगली मशीन की तरफ बढ़ते हैं, जो अगली मशीन देख पा रहे हैं काफी हैवी दिख रही है और इसकी जो रोटरी की साइज है उसकी अपेक्षा काफी ज्यादा है जी। वो जो रोटरी थी वो थी डिचर रोटरी, ये जो है वो टिलर वाली रोटरी है, नॉर्मल रोटरी जी है। इसमें हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले मॉडल से, 830 मॉडल के। अच्छा, 830 मॉडल है जिसके अंदर होंडा का GX200 इंजन लगा हुआ है, ISI इंजन लगा हुआ है, 2 साल की गारंटी, ओरिजिनल होंडा का इंजन है, ओरिजिनल जी जी। आप यहाँ से पीछे से देख सकते हो कि इसके अंदर स्टैंप लगी हुई है ISI मार्क्स लगा हुआ है, यहाँ से किसान जो डिफाइन कर जी जी। अच्छा भैया, होंडा का इसके साथ वो भी मिलता होगा वारंटी कार्ड? वारंटी कार्ड भी मिलेगा जी, बुकलेट भी मिलेगा, कंपनी का जो है टोल फ्री नंबर भी मिलता है, किसान भाई इसको जब मर्जी जाके चेक करा सकते हैं। होंडा के सर्विस सेंटर पे ये सर्विस हो सकती है जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होंडा का सर्विस सेंटर है वहाँ पे इसकी सर्विस हो जाएगी। 2 साल की इसकी जो है इंजन की गारंटी लेती है कंपनी, 2 साल की गारंटी लेती है जी जी। कुछ भी हो गया, इंजन का जो भी पार्ट खराब होगा वो कंपनी चेंज कर देगी, उसको रिपेयर नहीं करेगी, उसको चेंज करके आपको दे देगी 2 साल के अंदर। 1 साल की गियर बॉक्स की है तो मशीन के बारे में ये सोचने की टेंशन नहीं है कि भैया ले लिया खराब होगी क्या करेंगे। कितने एचपी का इंजन लगा? ये लगा हुआ है जी इसके अंदर 6.8 का, मतलब हम इसको 7 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो बोलते हैं। 4-8 के इसके अंदर टायर लगे हुए, वो भी ट्रैक्टर गुड्डी वाले लगे हुए, आप देख सकते हैं कि जो टायर भी है ट्रैक्टर गुड्डी के लगे हुए हैं। और पीछे की जो रोटरी है वो इसकी अभी हमने लगाई हुई है 26 इंच की जी, जिसको आप कम करके 18 इंच तक कर सकते हो, मतलब यही मशीन आपकी 26 इंच में भी चल सकती है, 24 में भी चल सकती है और 18 इंच में, जो 1.5 फुट पे लोग काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस वाली मशीन से बेड बनाना चाहेंगे क्या पॉसिबल होगा? इस वाली मशीन से ही बन जाएगा, इसके लिए हमारे पास बेड मेकर अटैचमेंट आती है स्पेशली, जिससे आप इसके साथ जो है वो बेड वगैरह मेड वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, इस मशीन के अंदर 5 गियर है। अच्छा, 3 गियर आगे के, 2 गियर पीछे के, पीछे और इसके अंदर एक पीटीओ का गियर अलग से है, मतलब पीटीओ का गियर लगाएंगे तभी इसका रोटावेटर घूमेगा या पीटीओ के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट
पर स्प्रे पंप वगैरह लोगा वो घूमेगा, वरना खाली टायर इसके काम करेंगे। टायर और रोटावेटर दोनों इकट्ठे काम करते हैं, आपको टायर खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। जिसकी वजह से चलना, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर लगा हुआ है ये डिफरेंशियल लॉकआउट, जिसको हम 4x4 भी सिस्टम बोलते हैं देसी भाषा के अंदर। इसको जब मैंने इसे पीछे खींचा तो असल में मशीन के अंदर क्या हुआ वो समझिए किसान भाइयों, मशीन के जो टायर के अंदर जो ऐसे तीन लॉक थे और दूसरे टायर के तीन लॉक थे वो आपस में ऐसे लॉक हो गए जी बिल्कुल, जिसकी वजह से अगर ये दायां वाला टायर घूमेगा तो बायां टायर भी जो है वो चलता जाएगा बिल्कुल, जिसकी वजह से आपकी मशीन बिल्कुल सीधी चलती जाएगी, मशीन आपकी दाएं बाएं नहीं भागेगी। छोड़ भी दोगे तब भी मशीन ट्रैक्टर आपका सीधा चलता जाएगा, जिससे खेती करना बहुत आसान हो गया। अब चढ़ाई पे चढ़ना है या कोई लोड वाला काम करना है तो बढ़िया ग्रिप आपको मिलेगी, आपको नाली के अंदर चलाना है तो ट्रैक्टर आपका इधर उधर नहीं भागेगा, तंग नाली के अंदर भी बिल्कुल सीधा चलता जाएगा बिल्कुल। अच्छा बात है फ्यूल खपत की भैया, तो घंटे में फ्यूल की खपत क्या करेगा? ये होंडा का इंजन लगा हुआ जी, जापानी इंजन है, एक घंटे का मात्र 600 ml जो है ये पेट्रोल लेता है, 600 ml मात्र 600 ml पेट्रोल लेता है। 2 liter का इसका जो है वो गियर बॉक्स है पीछे का, 2 liter का, 2 liter का इसका गियर बॉक्स है, यहाँ से लेके ये पीछे तक जो है सारा ट्रैक्टर की तरह गरारियों से भरा रखा है, इसके अंदर गियर ऑयल डलता रहता है। जैसे जैसे मशीन चलती जाती है ये जो है ट्रैक्टर की तरह ही आपको काम जो है सुख देती जाती है जी। इसका डिजाइन भी वैसा बना हुआ है, फर्क इतना कि बस ट्रैक्टर की गिरारी इतनी बड़ी है तो इसके अंदर इतनी सी छोटी है, पर इसका आगे से लेकर पीछे तक का डिजाइन बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह ही बना हुआ है। भैया अगर हम इसी मॉडल के साथ अगले मॉडल पे बढ़ते हैं जो कि इसकी अपेक्षा भारी इंजन लगा हुआ है इसमें, जी जी जी, इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है 9 horsepower होंडा का इंजन, इसमें भी होंडा का इंजन, में होंडा का सीसी का लगा, होंडा GX 270 इंजन लगा, 270 सीसी का लगा हुआ है। जी जी जी, आप इसकी अगर और जानकारी चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी जो आपको है इंजन के अंदर मोहर देखने को मिल जाएगी। अच्छा होंडा 270, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है वो ओरिजिनल इंजन है, होंडा चाइना इंजन नहीं है, क्योंकि लोग जो है अक्सर होंडा चाइना इंजन में फंस जाते हैं बेचारे, देखने में शक्ल ऐसी उसके ऊपर भी होंडा लिखा हुआ है बट वो होंडा चाइना का है, जिसकी भाई साहब आपको यहाँ पे जो है कोई 6 महीने की गारंटी देगा, कोई 1 साल की देगा, बट बाद में मिलती कुछ नहीं है जी बिल्कुल। क्योंकि ओरिजिनल होंडा इंजन की 2 साल की पूरी दुनिया के अंदर, जैसे हम गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले लिया, लिया मैंने जम्मू कश्मीर से और सर्विस चाहे मैं कन्याकुमारी में करवा लूं कोई रोकेगा नहीं, वैसी इंजन इसकी है, जहां मर्जी से लो इसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होंडा सर्विस सेंटर पे आप इसकी सर्विस करा सकते हो। 9 horsepower का 270 cc का इंजन है, 2 साल की गारंटी है, ताकत जो देता है वो इतनी देता है कि आप 3 फुट का रोटावेटर इसके साथ चला सकते हो, 3 फुट का, 3 फुट का रोटावेटर आप इसके साथ चला सकते हो। हाँ अगर कोई किसान भाई इसको कम करना चाहता है तो ये 3 फुट से 1.5 फुट भी हो जाता है, मतलब दुगना, 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट तक का जो आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके कवर के अंदर देखिए हमने हमने छेद कर रखी है जी, अंदर से रोटावेटर छोटा हो जाता है और ये कवर अंदर की तरफ हो जाता है, अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपको जैसे 2.5 फुट पे करना है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, आपको 1.5 फुट करना है तो दोनों तरफ के कवर उतर जाएंगे, बीच का कवर ही रहेगा जिससे 1.5 फुट पे भी चल जाता है। अच्छा, एक ही मशीन आपकी 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट सारे काम जो है वो करती जा रही है एक ही मशीन, और ये टायर भी कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये टायर भी आपको मतलब जैसे हमने 18 inch पे चलाने हैं तो टायर हमें 18 inch से अंदर चाहिए तो इसके जो है टायर वो 17 inch पे हो जाएंगे। अच्छा 17 inch पे हो जाएंगे, 17 inch। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे ये मशीन छोटी है ये मशीन बड़ी है तो फ्यूल की खपत बढ़ती है क्या रहती है? फ्यूल की खपत बढ़ती है जी, ये 1 घंटे का 1 liter लेगी। अच्छा, वैसे ही है जैसे कि वो वाली मशीन हमारा लगभग 2 घंटे में 1 acre करती है तो ये वाली जो है वो 1.5 घंटा 1 घंटे के अंदर 1 acre कर देती है। और इस मशीन के साथ आप आगे तो जुताई भी कर सकते हैं, और पीछे देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं आपको कहूंगा राहुल भैया थोड़ा मशीन को ऊपर उठाइए, ये देखिए ये जो है यहाँ पे इसके आपको मैं दिखा के दिखाता हूँ जी। अब हमने ये देखिए आपको पहले इसका रोटावेटर दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए जी पूरा रोटावेटर जो है इसका, यहाँ पे हमने शाफ्ट है, गियर बक्सा है तो पूरा रोटावेटर जुड़ा हुआ है। और अगर कोई किसान भाई चाहता है कि भाई जुताई के साथ साथ मिट्टी भी चढ़ जाए तो उसको जो ये रिजर अटैचमेंट लगानी है, बस अब रख दीजिए, अब ये आगे आगे जुताई होगी, पीछे पीछे नाली बनके आपकी मिट्टी भी चढ़ती जाएगी, मतलब एक एक साथ दो काम हो जाएगा, दो काम। और इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, आप इसको नजदीक भी कर सकते हो, आप इसको खोल भी कर सकते हो, 2 फुट तक ये मिट्टी लगाने के लिए पूरा सक्षम है ये मशीन। जी जी जी। अच्छा भाई एक चीज और बताओ, जैसे कि इस पे तो आपने 2 साल की गारंटी दे रही है कंपनी, ठीक है, इस पे भी वही फीचर है? इस पे भी वही है जी, ओरिजिनल होंडा का इंजन है तो इस पे भी 2 साल की गारंटी किसानों को मिलेगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं, आपको गारंटी बुक साथ में मिलेगी, उसके ऊपर लिखा होगा बिल के ऊपर होंडा का इंजन लिखा होगा, जहां मर्जी चेक कराइए जीएसटी वाला 12% जीएसटी वाला बिल आपको किसानों को मिलेगा साथ में, इसके साथ में। जी जी। अच्छा भाई इसी के साथ में आगे हम बढ़े, जैसे कि देख पा रहे हैं काफी हैवी मशीन है और डीजल इंजन के अंदर में जी है। जी जी, ये हमारा 850 मॉडल है, 850 जी जी, जिसके जी। अंदर 10 horsepower का हाँ। कोलर लंबार्डनी का इंजन लगाया हुआ है। इस इंजन के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ी सी 2 मिनट लूंगा, कंपनी की हिस्ट्री बताता हूँ। ये लंबार्डनी कंपनी जो है हाँ। ये
50 से 100 साल पुरानी कंपनी है, इटली की कंपनी है, ये डीजल इंजन बनाने की महारत हासिल करी हुई है। ये कंपनी जो है बड़े बड़े ताकतवर इंजन बनाती है, ये कुछ गिनती की दुनिया की पहली 5 कंपनियों में आती है जिसने डीजल इंजन बनाना शुरू करा था। जी बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी पुरानी कंपनी है। बिल्कुल। और ये जो कोलर कंपनी है ये भी जो है इटली का ब्रांड है, तो इन दोनों ने कंपनी ने कोलैबोरेशन करके जो है ये सिंगल सिलेंडर का डीजल इंजन बनाया है। इन्होंने ये जो अपना प्लांट है, ये कंपनी तो इटली की है पर इन्होंने महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर प्लांट लगा रखा है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंदर। जी जी जी, जिसकी वजह से ये मेड इन इंडिया के अंदर इंजन तैयार हुआ, सिंगल सिलेंडर इंजन है, डीआई इंजन है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉश का मेड इन इंडिया, देख सकते हैं बॉश का इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, डीजल फिल्टर जी आपको ट्रैक्टरों में देखने को मिलता है, ट्रैक्टरों में मिलता है। जी जी, यहाँ पे इसके अंदर फ्यूल पंप भी लगा हुआ है, जिसको आप ऐसे मारेंगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पे जो है फ्यूल जो है फिल्टर होके उसके अंदर जाता है। फ्यूल पंप है, साइक्लोन एयर क्लीनर है, हाँ। नीचे ट्रैक्टरों की तरह यहाँ पे इसके अंदर तेल भरा हुआ है, ये अंदर जो है पंखा घूम के साफ मिट्टी, साफ हवा जो है वो इंजन के अंदर जो है जाती है, मिट्टी सारी जो है बाहर रह जाती है। जी बिल्कुल। और ये इंजन भी जो है आप रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप इसको जो है साइड में इसमें सेल्फ दे रखी है, तो आप इसको सेल्फ से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, एमरॉन कंपनी की, एक्साइड कंपनी की हम बैटरी इसके साथ देते हैं। 10 हॉर्स पावर का इंजन है, 3 फुट का रोटावेटर है। टायर इसमें हमने बड़े दे दिए क्योंकि इंजन बड़ा हो गया, ताकत बढ़ ज्यादा हो गई, तो टायर भी हमने जो है इस पे भी रीपर चल जाएगा। रीपर हमारे जो है 840, 50, 60, 70 किसी भी 840 या उससे बड़े मॉडल किसी पे भी रीपर हमारा चल जाता है, चलने को कामयाब है। फ्यूल की खपत घंटे में क्या करता है ये वैसे? एक घंटे का मात्र 1 लीटर डीजल लेता है, एक घंटे में मात्र 1 लीटर डीजल लेता है की खपत करेगा। जी जी। अच्छा, इसकी वारंटी क्या रह जाएगी? इसकी 1 साल की कंपनी की ऑल ओवर इंडिया वारंटी आती है डीजल की तरफ से। जी जी जी, बॉश का स्टार्टर है, मतलब कंपनी से क्या है कंपनी के सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं, नहीं तो हम तो है ही भाई साहब, हम तो कंपनी के ऑथराइज्ड सेल सर्विस वाले हैं, तो आप हमसे भी ले सकते हो। मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं कि भैया मैं पंजाब से मशीन ले आया तो सर्विस के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। बिल्कुल, नजदीकी सर्विस सेंटर पे भी आप काम करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और कोई किसान भाई 850 मॉडल के अंदर ही चाहता है कि मेरे को पेट्रोल इंजन मिले, तो हमारे पास 12 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है। अच्छा, 12 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन उपलब्ध है, जो मैं आपको यहां दिखाता हूं। जी, ये देखिए जी, GX 390 इंजन, यानी कि ये 12 हॉर्स पावर का इंजन है, पावर्ड बाय होंडा, होंडा का जो है 390 सीसी का 12 हॉर्स पावर का ये इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। जी, ये इंजन रस्सी स्टार्ट में भी आता है और ये इंजन सेल्फ स्टार्ट, होंडा इम्बोज, हाँ होंडा का इम्बोज। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा लिखा भी हुआ 399 389। जी 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 जी, 399 सीसी का ये जो है ओरिजिनल इंजन है, 12 हॉर्स पावर का इंजन है। हाँ। इसके अंदर भी हमने बड़े टायर दे रखे हैं 5-10 के। हाँ। इसके अंदर मतलब कोई चाहता है कि पेट्रोल में ताकतवर इंजन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके अंदर डिचर रोटरी भी हमने बड़ी लगा रखी है, जिससे आपको जो है अगर कोई चाहता है कि मेरे को डिचर रोटरी जैसे पहले वाली जो थी वो लगभग नीचे 18 इंच की नाली बनाती है, तो कोई चाहता है कि मेरे को 2.5 फुट की बनानी है तो वो भी चौड़ी नाली अगर और बनानी है। जी जी, क्योंकि इंजन बड़ा हो गया, ताकत बड़ी होगी तो रोटरी भी इसके साथ बड़ी लगा सकते हैं। तेल की खपत कितनी बड़ी होगी लगभग भैया? भैया ये जो है एक घंटे का मात्र लगभग 2 लीटर के आसपास जो है वो पेट्रोल लेता है। 2 लीटर? जी, पर ये आपका काम भी उतनी जल्दी कर देता है, ये 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 10 मिनट के अंदर 1 एकड़ की जुताई करने की क्षमता रखता है। अच्छा, गहराई कितनी लेके चलता होगा भैया? नॉर्मल गहराई जो है वो 6 से 7 इंची की गहराई ये ले जाते हैं। किसान भाई के पास एडजस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर आप चाहते हो कि गहराई जो है वो 2-3 इंच जाए तब भी हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि गहराई जो है वो 6-7 इंच चले जाए तो वहां पे भी ये चला जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भैया, यहाँ पे हम एक ये देख पा रहे हैं, ये हमारी अटैचमेंट्स है, यहाँ पे मैं सारी रख नहीं पाया, किसानों को माफी मांगूंगा, पर जितनी है वो दिखाना चाहूंगा। ये हमारी डिजिटल अटैचमेंट है, ये भी हमारे 840 या उससे बड़े मॉडल पे लग जाती है। इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने जुताई मिट्टी चढ़ाने वाले नाली गहरी बनाएगा, ये नाली गहरी बनाएगा नीचे को, ये लगभग 9 इंची जो है चौड़ी नाली और 1 फुट गहरी नाली बना देता है, और ये 4-4 फुट तक जो है मिट्टी फेंकने की क्षमता रखता है, बाहर फेंकेगा मिट्टी। जी जी जी, यानी बेड बनाने के लिए कामयाब मशीन है ये, बिल्कुल कामयाब। अब इससे जो आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको मिट्टी कितनी दूरी फेंकनी, कितनी पास में गिरानी है। जी जी जी, और यहाँ से भी आप पीछे इसके पहिया लगा हुआ है जिससे आप गहराई कम ज्यादा इसकी एडजस्ट कर सकते हो। जी, ये कल्टीवेटर है हमारे पास, ये रिवर्सिबल प्लो है, आपने ट्रैक्टरों में देखा होगा जिसको एमबी प्लो भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पलटावा हाल। अब ये नीचे जो है इस तरफ मिट्टी फेंकेगा, पलटेगा, इस तरफ मिट्टी लगा देगा, जब आपको इसको घुमा के ट्रैक्टर को दूसरी नाली लगे तो ये पलट जाएगा, तो इसको पलटा देंगे, नहीं तो आमतौर पे क्या होता है अगर हम नहीं पलटाएंगे तो पहले इधर मिट्टी लग रही थी, अब उधर जाएंगे तो उधर को लगनी शुरू हो जाएगी, पर हमें तो एक ही तरफ को चाहिए। हाँ। तो ये ऊपर का नीचे को आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, जिससे
आपका एक ही तरफ मिट्टी लगती रहती है। बिल्कुल। तो हमारे ट्रैक्टर में इतनी क्षमता की ट्रैक्टर जैसे इम्प्लीमेंट भी खींच सकता है, पांच वाला हल भी आप इसके साथ लगा सकते हो। इसकी हल की जो है वो पूरी एडजस्टमेंट दे रखी है पीछे से, पीछे आपको चौड़ाई कम ज्यादा करनी है वो भी हो जाएगी। मेकर भी दे रखा है। जी जी जी। और इसके अंदर बेड मेकर भी लग जाता है, जैसे कि आपको मेड वगैरह बनानी है, आपको चौड़े बेड बनाने हैं, तो आप पीछे से एडजस्टमेंट करके आप इसके साथ बेड वगैरह मेड वगैरह भी बना सकते हो। जी भैया, सबसे पहले लास्ट में हम बात करना चाहते हैं, प्राइस मेन रह जाती है, जैसे वारंटी भी आपने बता दिया कि वारंटी जो है होंडा पे 2 साल की गारंटी मिल रही है और इस पे आप 1 साल की इस पे वारंटी दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे वाले बैक रोटरी पावर टिलर की, तो इसकी क्या प्राइस रहने वाली है? अभी न्यू ईयर चल रहा है, बहुत अच्छा रेट दीजिए। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हमारा जो 830 है जिसके अंदर होंडा का GX200 इंजन लगा हुआ है, ISI इंजन लगा हुआ है, 2 साल की गारंटी है, 26 इंच का रोटावेटर दे रखा है, 5 गियर है, 3 आगे 2 पीछे, डिफरेंशियल है, 4x4 लॉकआउट सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। तो ये जो है मशीन आपको जो किसान भाइयों पड़ेगी 1,22,000 नए साल के लिए, सिर्फ कुछ समय लिमिटेड के लिए हम आपको 1,22,000 के अंदर होंडा की ओरिजिनल जो है इंजन के साथ बैक रोटी देंगे। जी, अगली की बात करें प्राइस क्या, अगर कोई होंडा 9 HP की लेना चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने एक तो इंजन बड़ा कर दिया 9 horsepower का, जी टायर बड़े कर दिए 4-10 के, एडजस्टेबल रिम लगा दिए, जैसे पहले वाले में तो फ्लैट रिम थे, जी बिल्कुल, अब इस वाले में एडजस्टेबल रिम लगा दिए, एडजस्ट मतलब 17 इंच से लेकर 26 इंच तक एडजस्ट कर सकते हो। जी, रोटावेटर 36 इंच का लगा दिया, जी जो है आपको साथ में ये जो है पूरा आपको डिफरेंशियल लॉकआउट सब जो है हैंडल वगैरह के लुक भी बढ़िया दे दिया। तो ये वाला जो मॉडल आपको पड़ेगा 1,55,000 रुपए का, रोटरी भी ये मिलेगी साथ जी जी, रोटरी भी आपको साथ में मिलेगी जी। और अगर कोई इसमें जो है वो डीजल वाला लेना चाहता है, जो हमने नया मॉडल निकाला, ये जो अभी लॉन्च हुआ है, अभी लॉन्च हुआ है कामा का 8 horsepower का, इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, डिचर वाली रोटरी लगी हुई है, मतलब जुताई भी करेगी, मिट्टी भी चढ़ा देगी, दोनों काम करेगी साथ में। तो हाँ जी, 4-10 के टायर है, एडजस्टेबल रिम है, सेल्फ स्टार्ट इंजन है, चाबी घुमाओगे सेल्फ भरोगे इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मशीन जो है किसान भाइयों को पड़ेगी मात्र 1,45,000 की, 1,45,000 रुपए में। वैसे इसका रेट है 1.5 lakh rupees, बट जो किसान भाई इसको 28 February से पहले बुक कराएगा, अच्छा 28 February 2024, हाँ उससे पहले बुक कराएगा, तो उसको जो है वो मात्र 5,000 की स्पेशल डिस्काउंट देके 1,45,000 के अंदर घर पे होम डिलीवरी करके, जी सिर्फ 840 कामा के अंदर होम डिलीवरी करके ये नए साल का आपको मॉडल जो है वो मिल जाएगा। और अगर कोई किसान भाई चाहता है कि इसके अंदर मेरे को ये वाली रोटरी नहीं, वो टिलर वाली रोटरी चाहिए, जी तो वो भी मिल जाएगी, वो आपका जो है 5,000 और सस्ता हो जाएगा। तो 1,40,000 के अंदर 840 कामा डीजल 8 horsepower सेल्फ स्टार्ट वाला 1,40,000 के अंदर आपका घर के अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा भाई, जैसे दो और बड़ी मशीनें बचती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 HP डीजल के बारे में, जी क्या प्राइस रहेगी? हाँ, अब इसमें हमारे पास दो मॉडल आ गए जी, 850 850 के अंदर मैंने किसानों को बताया दो मॉडल होते हैं, एक तो कोलर लंबार्डनी डीजल 10 HP और एक होंडा GX390 12 HP। अच्छा, तीनों के अंदर, दोनों के अंदर ही बाकी गियर बक्सा टायर रोटरी सब सेम है, मात्र आगे का इंजन, मतलब जैसे हम गाड़ी, इंजन केवल चेंज कर रहे हैं, जैसे मतलब गाड़ी खरीदते हैं स्विफ्ट डिजायर डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी, बाकी सब सेम, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है। इसके अंदर जो है आपको पेट्रोल इंजन के साथ 12 horsepower का पड़ेगा मात्र 1,65,000 का, 2 साल की होंडा की ओरिजिनल गारंटी, 5-10 के टायर ट्रैक्टर गुड्डी वाले, 36 इंच का रोटावेटर जी। और अगर कोई डीजल इंजन कोलर लंबार्डनी का लेना चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, इसके साथ आपको पड़ेगा मात्र 1,90,000 रुपए का, 1,90,000 रुपए इसके साथ में, जी जी जी, जी। इसके अंदर आपको बैटरी भी साथ में मिलेगी, सेल्फ स्टार्ट है, पूरा कंप्लीट मिलेगा। और इसके बाद मेरे पास इसके लिए शीट भी है, ट्रॉली भी है, रीजर भी है, डिचर भी है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, स्प्रे पंप, आपका बीज बोने की मशीन भी है, उसके बाद मेरे पास इसके लिए जो है आपको हल चलाने के लिए जो है, मतलब सारे इम्प्लीमेंट, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, इम्प्लीमेंट एक ही जगह पे, जो इम्प्लीमेंट किसान मांगे मैं उसके लिए वो इम्प्लीमेंट भी रेडी करके दे सकता हूँ। बिल्कुल, वो बताएगी भैया मेरे को ट्रैक्टर में मेरे ऐसा इम्प्लीमेंट चलता है, ऐसा सा इसके लिए भी बना दो, तो वो भी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये भैया ट्रैक्टर ही है आपका, इसको आप ट्रैक्टर ही मान के चलो, जैसे ट्रैक्टर को आसानी से बिना थके आदमी 10-10 घंटे चला सकता है, वैसे ही इन्हें भी आप चला सकते हो और वैसे ही काम इनसे ले सकते हैं। भैया एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरा कोई फार्मर इस वीडियो को देख रहा है और उसे ये वीडियो पसंद आई, उसकी जरूरत है, लेना चाहता है, तो लेने का क्या प्रोसेस, मंगाने का क्या प्रोसेस है? भैया बहुत ही सिंपल प्रोसेस है किसान भाइयों, हमारी कंपनी लुधियाना के अंदर जो है वो दूसरी फैक्ट्री चालू हो गई, पहली फैक्ट्री अहमदगढ़ में, जिससे लोगों हमें पहचानते हैं कि अहमदगढ़ में पावर टिलर बनते हैं। जी बिल्कुल जी, तो अब जो है दूसरी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री जो है हमने 1 acre के अंदर जो हमने अपनी लुधियाना के अंदर लगाई है, जिसके अंदर हमने और नई मशीनें, जैसे ये नया मॉडल भी इसी नई फैक्ट्री की देन है, तो ये नए नए मॉडल हमने यहाँ तैयार करे हैं, प्रॉपर डिस्प्ले है,
किसान भाइयों यहाँ आइए, मशीनों को देखिए, रहने का हमारे पास, नहाने का, खाने का सब इंतजाम यहाँ पे है। बिल्कुल आइए, मशीनों को देखिए, पसंद करिए, जो उनसे आपको समझ आती है, जिसका आपका मन बनता है वो बुक करा के आप लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लुधियाना के अंदर, पंजाब के अंदर फैक्ट्री है। बट अगर कोई किसान भाई नहीं आ सकता तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, नीचे भी ऊपर भी, आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर फोन कीजिए। आप जो भी मॉडल लेना चाहते हैं, 830, 840, 840 कामा, 850 डीजल, पेट्रोल, होंडा, जो भी लेना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए, पूछिए, हम आपको उसकी पूरी डिटेल व्हाट्सएप कर देंगे। और अगर आपका लेने का मन हुआ तो 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट आपको कंपनी के अकाउंट में करनी है, एक आपको अपना एड्रेस देना है, ये दो चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद मशीन को हम अच्छे से लकड़ की पेटी में पैक करके यहाँ से ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। मशीन जब आपकी वहाँ पहुँच जाएगी तब आपको बाकी का पेमेंट करना है और आपकी मशीन आपको डिलीवर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल काम है, घर बैठे मोबाइल से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हर्ष भैया आपने काफी अच्छी और यूनिक और बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो किसान भाइयों आपने ये जो वीडियो देखा इसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक एक एक पार्ट की, एक एक पुर्जे की सारी जानकारी हर्ष भैया ने दिया, और आप खेती में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके माध्यम से अपनी खेती बाड़ी को कैसे टेक्निकल बना सकते हैं, जहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर जाके काम नहीं कर पाता है वहाँ पे जाके ये मशीन बहुत आसानी से हमारे किसान भाइयों के खेतों में काम करती है। और नया साल चल रहा है, जैसा कि भैया ने ऑफर भी दिया है, तो आप इन बैक रोटरी को मंगा के अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल, यूनिक और अच्छा बना सकते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हर्ष भैया को सपोर्ट करिए ताकि और नई नई चीज़ें ला सकें। किसान भाइयों मिलूंगा फिर से इसी तरह की एक यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।